नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भीकनगांव, खरगोन जिले के भीकनगांव नगर के शासकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का मध्य प्रदेश की जनजातियों की सामाजिक आर्थिक आयामों की चुनौतियों एवं संभावनाएं विषय पर आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित इस संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय महाविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग द्वारा डॉक्टर आर एस देवड़ा के मार्गदर्शन में किया गया। इस आशय की जानकारी देते हुए कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर अनुराधा ठाकुर ने बताया कि जनजातीय विषय पर आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में जिले सहित प्रदेश के 525 महाविद्यालयों से विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं पर शोध पत्र पढ़े गए। इसके साथ ही 9 विभिन्न उपविषयों पर भी शोधार्थी महाविद्यालयीन छात्र सहायक प्राध्यापक प्राध्यापक व अतिथि विद्वानों से शोध आलेख आमंत्रित किए गए हैं। चयनित शोध पत्र ISSN पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार सोलंकी ने बताया कि अधिकतम 3000 शब्दों में लिखे गए पूर्ण शोध पत्र प्रकाशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। गांव में आज आप विशेष अतिथि के रूप में यहां पर पधारे हैं, पूरे कार्यक्रम को देखकर के क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। तहसील पैलेस पर इतना अच्छा, यदि शासन के द्वारा जो 25 महाविद्यालय चुने थे उनमें से ये चुना था, तो ये बहुत ही गौरव की बात है इस जिले के लिए भी और इस ग्रामीण क्षेत्र के माने की जो तहसील है इसमें ये पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी है। ये माने इस महाविद्यालय के प्राचार्य वो पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। सर, जहाँ तक कि मध्य प्रदेश में 525 कॉलेजों में भीकनगांव को ये उपहार मिला है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये बता दिया ना कि गौरव की बात है इस जिले के लिए, इस तहसील के लिए और इस शहर के समस्त प्रबुद्ध जन और समस्त निवासियों के लिए कि इतना सफल आयोजन हुआ इस महाविद्यालय में। ये आप लोगों के लिए भी माने यहाँ के पत्रकारिता प्रशासन शहर की जनता ने जो सहयोग भी दिया इसके लिए भी माने कि आप लोग बधाई के पात्र हैं। और जो आयोजन आज हुआ है भविष्य में इससे भी अच्छा आयोजन हो इसी माने की मैं शुभकामना देता हूँ। तो आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। मैं राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का कार्यक्रम जो हुआ 2 दिवसीय, ये पूरा क्या विषय रहा? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के सौजन्य से शासकीय महाविद्यालय भीकनगांव में मध्य प्रदेश की जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक आयामों की चुनौतियां एवं संभावना विषय पर उक्त 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के शोधार्थियों ने भी भाग लिया। और यहाँ पर 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी में विभिन्न 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, विभिन्न शोध पत्र पढ़े गए शोधार्थियों द्वारा और विभिन्न प्रबुद्ध जनों द्वारा बुद्धिजीवियों द्वारा उक्त विषय पर अपने अपने सारगर्भित विषय अपने व्याख्यान दिए गए। और निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं कहीं ना कहीं आज भी इनकी उन्नति और उत्थान की ओर काफ़ी समय से जो कि होना चाहिए जो वर्तमान में नहीं हो पाया है। हालांकि शासन की विभिन्न योजनाएं हैं जो इन वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं अभी भी इनकी उन्नति और विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसी विषय को लेकर महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल, इंदौर और प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों, प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों और अतिथि विद्वानों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। सर, सुनने में आया कि 540 महाविद्यालयों में से 25 ऐसे महाविद्यालय जिसमें भीकनगांव को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। जी, मध्य प्रदेश के जो कुल 525 शासकीय महाविद्यालय हैं उनमें शासकीय महाविद्यालय भीकनगांव को ये गौरव हासिल हुआ, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और शासन द्वारा हम लोगों पर जो भरोसा दिखाया गया निश्चित रूप से 2 दिवस में हम पूर्ण रूप से खड़े उतरने का हमने प्रयास किया है। और इस 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी में जो चिंतन हुआ, मनन हुआ, उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो शासन को योजनाओं के निर्माण के लिए, क्रियान्वयन के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और आगामी समय में शासन द्वारा इन विषयों पर कोई गंभीर चिंतन कर नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। खबर समय जगत के लिए भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट।
खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।